गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नरसे तीतो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मनबोरे की तक कुरड़ी चुगने जाए। फिर ये भी लगा तने खान, और फिर के होगा कि प्रेत सलाब बढ़ा देंगे मेरे किसे, तेरा बाप प्रेत बन रहा भूत है, और नो कर उसके पिंड पर वादे दुनिया छूट जाएगी। नौकर फिर प्रेत सलाब पे जाओ विराजे पितरों पिंड भराई, और फिर बहुत श्राद्ध खान ना आए काग बहे कलमाई, फिर आगे बढ़ाओगे एक श्राद्ध काट दे तेरे पिताजिया का, और फिर ऊपर बगा देंगे एक टूक उधर देंगे रोटी, देख काग आ गया ना खान खातिर तेरे पिताजी आ गए। नौके वो बाबू काग बनकर आ गया थारा, और मुक्ति की बात देखो तो नौके बहुत श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमा ही, और फिर भी नौके ठीक से साधनाया बंदी छोड़। महाराज कहते हैं गरीबदास जी, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाए, ये सब झंझट तो पांडा छूट जाए, ना श्राद्ध काटने की जरूरत, ना किदम धोख लाने की जरूरत, एक नाम जपण की आवश्यकता है। और अपना ये पाठ करवा लो साल भर में एक, जिसमें 5 यज्ञ हो जाते हैं, फिर निश्चिंत देखा तेरा भूतक प्रेतक पितर छत्र कुण से आगे दुखी करे से। तो हमने जो है ना साधना कति छोड़ रखी है, और रोजाना की हम बताते हैं एक नित नियम से उसकी आरती। हमारे बच्चे, एक लड़का है वो आपको दिखाओ, कहां है वो सतपाल का लड़का, वो यहीं घूम रहा था छोटा, उसके 2 साल पहले से आरती याद है सारी, जो हम पौन घंटे की सामने होती है कंप्लीट आरती याद है। और ये और भी बच्चे छोटे छोटे हैं जितने, इनके सबका रोजाना आरती करते हैं, इनका परिवार बैठ के एक जोत जगा करके धूप जगा करके प्रतिदिन हवन करते हैं ये, और नाम नारा जाप करते हैं परमात्मा का। तो इस प्रकार महाराज कहें कि जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, और भाई अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई, अमरपुरी सतलोक में तेरा स्थान बन जाता। सुरत निरत मन पवन, ये एक विधि है जाप करने की। सुरत निरत मन पवन पियाना, इन चारों चीजों को मिलाकर सुरत निरत और पवन यानी वायु को, सांस को और मन को इकट्ठा करके नाम सहित ये जाप करना हो सके, फिर इससे हम अंदर से उस अपनी समाधिस्थ होने की कोशिश, ऊपर को हमारी सुर चलनी शुरू हो जाती है। स्वरत नरत मन पवन पयाना शब्द शब्द समाई, और दास गरीब गलतान महल में मिले कबीर गोसाई। बोल सतगुरुदेव। पूज्य गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी के खुलासे का आज द्वितीय दिन है, तारीख 29/3/1997। परमपिता परमात्मा सतपुरुष रूप कबीर साहेब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की एक विशेष रजा का प्रमाण है कि आज हम उनके द्वारा एक अनमोल शास्त्र जो हमें दिया गया उसके बारे में अभी तक विशेष प्रचार नहीं हो पाया, क्योंकि हमने इस शास्त्र को इतना गहराई से नहीं खोजा। इसको विद्वानों ने तो एक आम समझ लिया कि ये तो जो है कोई खास शास्त्र नहीं, क्योंकि आम भाषा इसमें लोकल भाषा जैसे कहो इसमें प्रयोग की गई है, और एक दो अक्षर को पढ़ा होगा छोड़ दिया होगा कि ये तो एक अनाड़ी से मूर्ख से व्यक्तियों की भाषा है, जो कि विद्वानों की भाषा तो संस्कृत होती है। अब संस्कृत का जो प्रभाव है कति कम हो चुका है, भाषा का हम आपको फिर याद दिलाना चाहते हैं, भाषा चाहे संस्कृत हो चाहे शुद्ध हिंदी हो फारसी हो उर्दू हो या अपनी साधारण भाषा जो हम आपस में बातचीत करते हैं किसी भी भाषा में, भाषा का कार्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का ही होता है, बस इसके बाद भाषा का कोई तात्पर्य नहीं रहता। आगे फिर जो भाषा बोल रहा है जो भाषा प्रयोग कर रहा है उसकी शक्ति उसमें काम कितनी कर रही है। किसी भाषा में कोई भी अफसर वहां की मातृभाषा के अंदर
कोई भी शब्द जो कहेगा उस अधिकारी के शब्द में उसी भाषा में उतना काम करना है, चाहे हम संस्कृत में बोले और चाहे हिंदी में, उसी भाषा को उन्हीं वाक्यों को एक व्यक्ति बोलता उसकी कोई असर नहीं करता, और उसी वाक्य को उसी भाषा में अधिकारी जैसे कोई भी अफसर हुआ और चाहे राजा हुआ उन वाक्यों को बोलेगा तो जितनी उसमें शक्ति है वही भाषा आगे जाकर उतना ही काम कर देती है। तो इस प्रकार महाराज गरीबदास जी की वाणी को, इतने महान ग्रंथ को जो कि सृष्टि में अपने हिसाब का एक नंबर का ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ है, नहीं समझ पाए इसके अंदर विशेषता क्या है कि चार वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, गीता जी, रामायण और श्रुति और मोहम्मद धर्म जो कि मुसलमान धर्म है, उन सब का वर्णन विवरण दे करके और साथ में फिर उनकी से लाभ तथा हानि बताई कि जो उपासना हिंदू धर्म में चल रही है वह कितना आडंबर है और मुसलमान धर्म में जो मनमुखी उपासनाएं हैं वह कितनी खतरनाक है, ये सब बता करके फिर अपना रास्ता बताया कि हम साधारण से तरीके तक परमात्मा प्राप्ति, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। बंदी छोड़ महाराज का बहुत गजब ग्रंथ है, इसको ध्यान से सुने और पढ़े तो फिर अपने आप इसके बारे में जानकारी होती चली जाती है। जब हम शुरू शुरू में इसको पढ़ने लगे तो ये समझ में भी नहीं आया था सत्कर्मानना, ये भाषा ऐसे लगती थी कि ये तो उठपटांग सी लिख रखी है, कोई समझ में नहीं आती है कह क्या रखा इसमें। जब हमने इसको पढ़ा और संतों से ज्ञान हुआ, फिर अपना अभ्यास किया, अपने अभ्यास के बाद जो हमें आत्मानुभूति हुई उसके बाद फिर पढ़ा, उसके बाद इसने अपने आप अपना रास्ता बता दिया। इतनी साधारण भाषा, एक ही दोहे के अंदर मनमाना चार कथाएं महाराज ने दे दी, पर उन कथाओं की जानकारी जिसको है तो इसको समझ सकता है। ये एक समझो कि कैप्सूल बना दिया या पुड़िया दवाई की बनाकर रख दी, जिस प्रकार जड़ी बूटियों जैसे और शास्त्रों में के वर्णन है, थोड़ा सा समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, दवाइयों का वर्णन कर दिया जावे, एक दवाई की ऐसी पहचान है, ऐसे पत्ते हैं, ऐसा रंग है, उसके ऐसे फूल आते हैं, उसके इतने पत्ते तोड़कर और दवाई बनाई जाती है, फिर दूसरी का वर्णन, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, उन सब का वर्णन दे रखा है इन शास्त्रों में, ऐसे समझो। और इसमें महाराज ने उन सब की पुड़िया घोट दी, पत्ते लिए, दूसरी चीज ली, तीसरी ली, चौथी ली, दवाई बना ली, और दवाई बनाकर इस ग्रंथ साहब में यानी अपनी न्यारी न्यारी शीशियां में भरकर धर ली। अब हमने अगर जानकारी तो करनी है तो ये ग्रंथ पढ़ो, जिसने बीमारी कटवानी है तो यह दवाई खा लो, जिसने डॉक्टर वैद बनना है यानी जिसने ज्ञानी बनना है तो इन सब शास्त्रों को पढ़ो, और जिसने आत्म कल्याण करवाना है बंदी छोड़ की वाणी को पढ़ो, और फिर इसमें एक पुड़िया दे रखी है जो गुरु नाम देता है उस नाम ने लेकर अपना काम करो, वो दवाई आपको, क्योंकि शास्त्र भी प्रमाण देते हैं, गरीबदास जी महाराज भी प्रमाण देते हैं कि इस नाम से जीव की मुक्ति होगी, और उस नाम को छोड़कर और मनमुखी नाम चाहे कुछ भी जपते रहें वो लाभ नहीं देते। और यही कारण है कि हमने नाम लिए हुए भगत दूसरे पंथों से मिले, अब नाम तो हम उन पंथों का नहीं लेना चाहते, सब पंथों के आए हुए हैं, और उनसे पूछा कितने वर्ष से आप नाम ले रखा है कि 20 साल वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 8 वर्ष से, कोई 7 वर्ष से, कोई 3 वर्ष से, कोई उपलब्धि हुई कुछ नहीं हुई, साधना नहीं की होगी आपने, कहने लगे हमने साधना में कसर नहीं छोड़ी, वो 3 घंटे बताते हैं बैठने के लिए, हमने 6-6 घंटे बैठकर देख लिया और 2-2 वर्ष तक लगातार, लेकिन उपलब्धि कुछ नहीं हो पाई। अब भाव ये है कि उपलब्धि क्या चीज है, जैसे हमने बीज बो दिया, बीज बोने के बाद उसकी उपलब्धि होती है, बीज बोया पहले वो समारा, उसमें बोने के काबिल किया, उसके बाद उसमें बीज डाला, बीज डालने के बाद मेहनत शुरू होती है। अब सत्संग के काम करे से, सबसे पहले सत्संग हमारे अंतःकरण को साफ करता है, हमारे खेत न समारा है,
खेत समारे पाछा आत्मा में प्रबलता होती है, आत्मा में जिज्ञासुता बढ़ती है कि हम नाम उपदेश लेवा। अब फिर हम नाम लेने चलते हैं, नाम लेने जाते हैं, नाम ले आते हैं। संतों ने नाम को बीज लिया है, अब बीज बो दिया। बीज बोने के बाद वो कहा जाता है कि इसकी भाई संभाल रखना, के रखना, पानी समय पर डालना, इसमें घास फूस हो जावे तो उसको काटना पाड़ना, और पशु पक्षियों से इसकी रक्षा करना। और फिर ये उपलब्धि देगी आपको, इसके पत्ते आएंगे, फिर बड़ा हो जाएगा वृक्ष, फिर फूल और फल देगा। अब हमने ये कथाएं सुन रखी है कि नाम बीज बोए पाछे वो उग्या करे, उग के वो फिर फल देगा। अब बीज हमने गलत बो रखा से, हमने चाहिए था आम का फल बीज, और बो लिया वहां पर बबूल यानी कीकर। तो कीकर बोए पाछे भी उपलब्धि होगी, क्योंकि कीकर ने भी उगना है और फिर बड़ा भी होना है, उसका पत्ते तथा डाली भी आवेंगी, और फिर जब फल आवेगा जब उसको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमने बोया का था इस विधि से, इस उद्देश्य को रखते हुए कि भाई इसके बहुत अच्छे फल लगेंगे, आम की के विशेषता हो सब मीठा होता है, फलों का राजा है, जिसने नहीं खाया उसने सुन रखा है। तो इस प्रकार जब वो फल लग लेता है फिर वो पछताना पड़े बेचारे ने और तेरे की, हमने तो वो फल उपलब्धि नहीं हुई जिसके लिए ये बोया था। अब कबीर साहब यही कहते हैं कि हमने चाहिए सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म का जाप उपासना, और वो हम कर नहीं पांदे क्योंकि गलत नामों की उपासना से, गलत नामों की साधना से और गलत गुरुओं के पास पहुंच जाने से हमने उपलब्धि नहीं होती वह जो जिस उद्देश्य को लेकर हम चलते हैं, और आखिर में यो जीव नास्तिक हो जा सके, और ये महसूस कर लिया कि भाई कुछ ना दिराई भगवान भगवान को उनकी तरह, ये सब आप अपने बनावणिये बैठे हैं। तो वो गलती उन बेचारे की नहीं है, आत्मा परमात्मा ने सब की चाह है, और सभी कोशिश करते हैं कि ईश्वरीय प्राप्ति हो, या कोई घर में सुख हो, कोई शरीर में सुख हो, यानी इस प्रकार हमें उपलब्धि हो। परंतु कुछ दिना के बाद वो थक कर बैठ जाते हैं, यहां तक उन्होंने कहा कि हम पूरे परिवार के परिवार जाकर के महीना महीना वहां सेवा करके आए, उन सत्संगों के जहां स्थान थे सफल थे, 15-15 वर्ष हम लगे रहे लेकिन कोई उपलब्धि नहीं हो पाई। और अब उन्होंने दोबारा उपदेश लिया, ईब उनकी जो उपलब्धि हुई वो अपने मुख से वर्णन करते हैं। तो बात ये नहीं है कि बीज सही दवाई सही होगी तो उस बीमारी ने अवश्य काटेगी, अगर दवाई सही नहीं है तो वह बीमारी नहीं कटेगी जिसकी हम ट्राई कोशिश कर रहे हैं दूसरी दवाई खाने थे। तो गलत नामों के जाप से, गलत गुरुओं के फंस जाने से महाराज कहते हैं कि जीव को पूरी उपलब्धि नहीं होती। तो महाराज ने चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इन सब शास्त्रों का निचोड़ दे रखा कि महाराज कहते हैं, गरीबदास जी और कबीर साहब भी प्रमाण देते हैं, और संत मत जो कबीर साहब के पंथी जो संत हैं वो सभी इसी बात की गवाही देते हैं कि ओंकार है वेद को मूला, वेद की जड़ ओम है, ओम मंत्र, ओम जाप कर लो और चारों वेद पढ़ लो, ओम से लाभ होगा, जाप से चारों वेदों से जानकारी हो सकती है के करना चाहिए था। और वो भी अपने मनमुखी नहीं, घर बैठकर ओम ओम करता रहे, वो गुरु से लेना पड़े जो उस ओम मंत्र का साधक हो, जिसने उस ओम के मंत्र से साधना कर रखी हो, उपलब्धि हो रही हो, उस गुरु से भी ओम मंत्र अगर ले लिया जावे तो कुछ लाभ देगा। कहां तक देगा? वो 3 लोक का सर्वोच्च मंत्र है और 3 लोक में आखिरी उपलब्धि 4th मुक्ति है। 3 लोक की आखिरी उपलब्धि 4th मुक्ति है, जिसको सायुज मुक्ति कहते हैं। तो सायुज मुक्ति में लिखा है कि ये जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है,
और ब्रह्म लीन कैसे होता है वो कबीर साहब बताते हैं और गरीबदास जी ने बताया कि वो लीन नहीं होता, वो कुछ समय के लिए इस जन्म मरण के चक्कर में बच जाता है और ब्रह्म लोक में उसको उस समय का स्थान मिल जाता है। जैसे मार्कंडेय ऋषि हैं और भी बहुत से संत हैं जिन्होंने काफी ओम मंत्र की साधना हजारों वर्ष लाखों वर्ष बैठ के की, उनको चौथी मुक्ति प्राप्त, ब्रह्मलोक के अंदर वो बैठे हुए। जब वो महाप्रलय होगी तो ये सब वापस इसी लोक में यहां आवेंगे और दोबारा पृथ्वी खड़ी होगी, सब कुछ जो का तो ब्रह्मांड फिर रच दिया जाएगा, ऐसा प्रमाण संतों ने सभी शास्त्रों ने दिया। अब कबीर साहब कहते हैं कि ओम मंत्र से के साथ में एक और मंत्र भी है जो हमें जाप करना चाहिए, हमने उसको छोड़ दिया और केवल यही जाप करते रहे तो असली वस्तु छोड़ दी। जिस प्रकार ओम मंत्र से जो उपलब्धि हुई, ओम मंत्र से यह शरीर भक्ति करण के काबिल हो जाता है, भूख प्यास कम हो जाती है, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, पर उन सिद्धियों को प्रयोग नहीं करें, उसके बाद इसको परिपक्व करने के लिए एक और मंत्र है जो इसमें दे रखा है कबीर साहब ने गरीबदास जी ने, कि ओम भी जाप करना है पर मेरे ओम तक काम नहीं चलता, इससे ऊपर एक मंत्र और है, उस मंत्र से फिर इसमें जैसे गेहूं बड़ा हुआ और बाल नहीं आई, जब उसमें बाली आ गई तो उसका कुछ फल है और बाली आनते पहले उसको चरा लिया तो वो कोई लाभ नहीं देता, चारे चारे का लाभ आपको दे रहा है। इसी प्रकार हम केवल ओम मंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर और उसकी उपासना करके अपने आप को पूर्ण मुक्ति के साधक समझते हैं, अनजान से बेरा नहीं। अब जैसे गेहूं में जब तक वो दाना नहीं बन ले, बाल पगी पक नहीं हो ले, तब तक पहले उसको काट लेने से कोई लाभ नहीं होता, तो ओम मंत्र जो है ये बाल आणते पहले की जितनी प्रक्रिया उस पौधे की है वो ओम मंत्र से होती है। इससे ऊपर सोहम मंत्र है, सोहम क्योंकि इसमें क्लियर बता रखा है महाराज ने और वो भी पूरे गुरु से मिले, नो जानकारी होगी भाई ओम भी है सोहम भी है, इससे भी कोई लाभ नहीं होगा। अब जैसे कोई अपॉइंटमेंट लेटर देता है और उसमें लिख रखा है कि यू आर हियर बाय अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ फलाना फलाना, इतने इतने आपके रिटायरमेंट होगी, ये आपकी तनख्वाह होगी, वो सब ने मालूम है, लेकिन जब तक अधिकारी उस पर दस्तक नहीं कर देगा, जो उसमें अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जब लग वो कागज कोई काम नहीं आवे, उसने ज्ञान भी रहा रो, तो इस प्रकार गुरु की आवश्यकता पड़ती है इस मंत्र को लेने के लिए। फिर विधि नहीं बतावांगे हम के कैसे जपया जाता है, मेरे ओम सोम जपण तक कोई लाभ नहीं होता, वो एक विधि बताई जाती है, जैसे बंदूक भी हो और गोली भी हो और चलान का बेरा ना हो, ले हांडे जा ना बंदूक, भाई पशु घेरण का काम तो बेसिक ले ले उस बंदूक की लठने, जिसने नहीं ले रहा है कह गुड़ फोड़ देगा पाड़ी, कह प्याज फोड़ लेगा, और काम बंदूक नहीं दे सकती। इसी प्रकार अनजान व्यक्तियों ने महाराज के मंत्र जरूर ढूंढ लिए कि इस ग्रंथ साहब में लिख रहा कि क्यों घरा घरा रखा है, तो घर घर यमन महाराज का ग्रंथ साहब बहुत से व्यक्तियों के पास, अरे कल आ था भगत जी ने बोला मैंने सारा याद छो ग्रंथ साहब, मतलब परीक्षार था अरे बोला इसमें ये मंत्र है वो मंत्र है, इनसे के लाभ होगा, करके देख लिया हमने 20-20 साल कुछ नहीं होता। अगर जब विधि सही नहीं मिली, बंदूक ले जा गोली ले फिर उसका काम नहीं करती वो। इसी प्रकार जब इसको गुरु मिलेगा तो वो बता देगा कि इस मंत्र ने नू जपना भाई, और फिर वो काम करे, वैसे बात नहीं बनती। तो अज्ञानता के कारण हम ना जाने कहां साधना कितने अपनी मनमर्जी नाम याद भी कर लिए और पता भी चल गया कि न्यू कराया करें, फिर भी लाभ नहीं होता। तो ये जानकर फिर महाराज ने बताया कि इस ओम सोहम मंत्र से ऊपर एक और मंत्र है जिसको सार नाम कहते हैं। आपको बताएंगे कि मनमुखी नाम 36 जगह मिलते हैं पर वो नाम काम नहीं करते, क्योंकि मीराबाई का प्रमाण मिलता है कि ओहंग सोहंग डोरी लागी दिल की दुर्मत सारी भागी। मीराबाई ने रविदास जी का नाम लिया, रविदास जी के गुरु रामानंद जी थे, रामानंद जी को कबीर साहब ने शिष्य होकर बताया था गुरु जी इस मंत्र से लाभ होगा। नरे ओ रामानंद पहले ओम जाप ही किया करता था और इतना 104 साल के ब्रह्मचारी और साधक योगी और चारों वेदों के ज्ञाता,
उस पर भी महाराज कबीर साहब ने समझाया कि नरे ओम तक आमना चाला स्वामी जी, और फिर आप मैं नाम बताऊं इसका और जाप करो और आगे शिष्यों को दो। तो जब रामानंद जी ने, जब महाराज कहते हैं रामानंद ओम की तारी, रामानंद जो है ओम की आशा, केवल ओम तो ही की उसकी उम्मीद ला रखी थी स्वर्ग प्राप्ति की। ताते सोहम ताते खंडी सोहम स्वासा, इससे उसके वो सोहम सांस जो थे जवाब थे वो खत्म हो रहे थे। अब फिर बताते हैं कि ओम, अच्छा आपने अभी गोरखनाथ जी के बारे में प्रमाण देंगे कितने महान शब्द हुए इस पृथ्वी पर, गोरखनाथ जी के सम्मान कोई शब्द नहीं हुआ। और गोरखनाथ जी की और कबीर साहब की वार्ता अभी आपको हम सुनाएंगे, और उस गोरखनाथ जी शब्द ने भी कबीर साहब के चरणों में माथा टेक कर और यथार्थ मार्ग पूछा। जब उनको बताया सतगुरु महाराज ने कि ये नाम जप, तो जब यहां आपने आपने शब्द सुना होगा बंगला खूब बना है दरवेश, उसमें फिर कहता है कि उसमें शब्द आता है कि ओंकार के सोहंकार में, शब्द आपने सुना भी होगा बंगला बंगले में गाते हैं कि ओंकार के सोहंकार में ओम और सोहम, ओंकार ओम सोहंकार सोहम, ओंकार के सोहंकार में। जब ये मंत्र कबीर साहब से नाथ जी को मिला तब उसकी मुक्ति का साधन तैयार हुआ। फिर उसके बाद एक सार शब्द होता है सार नाम, ये उसके बाद उस सार नाम भी जब तक नहीं मिलेगा इतने नरे ओम सोम तभी बात नहीं बनती। अब इतना गजब भेद सतगुरु गरीबदास जी और कबीर साहब ने हमें दिया, और ओम नाम और नाम आप कहीं भी ले लो, कोई भी नाम, कोई कुछ दे रहा है कोई कुछ दे रहा है कोई कुछ दे रहा है, तो दवाई वही काम करेगी जो जिससे प्रमाणित सैकड़ों संत उस नाम का जाप करते हुए बताते। नानक जी कबीर साहब के शिष्य हुए, नानक देव जी, इनका भी अभी प्रमाण आपको देंगे। इन्होंने भी अपनी वाणी में लिख रखा है कि सत नाम सोहंग सारा और सुमर सुमर हो भव से पारा। तो इन्होंने सतनाम जो है, सतनाम जपण की चीज नहीं है, उस ओंग और सोहंग जो मंत्र है, ओम कहो सोहंग सोहम कहो, ओम सोहम कहो ओहंग सोहंग कहो, ओंकार सोहंकार कहो, मंत्र वही है, भाषा का बोलन का और उच्चारण का फर्क अंतर है। तो उस मंत्र से ये कह मेरी मुक्ति हुई, और इसे महान संता ने जो प्रमाणित देते हैं कि हमने उनसे, फिर धर्मदास जी जो कबीर साहब के प्रत्यक्ष शिष्य वो भी इसी मंत्र का जाप बताते हैं, और साथ में कबीर गरीबदास जी महाराज प्रत्यक्ष नाम दिया कबीर साहब ने, उन्होंने भी लिख रहा क्या है कि सतगुरु महाराज ने ये नाम दिया। और फिर इससे ऊपर जो वस्तु वो गुप्त गुरु के पास होती है, और जब तक वह नहीं मिलेगी गुरु से इतने वो नरे ओम सोम के मंत्र से भी जीव मुक्त नहीं हो सकता। और इन मंत्रा ने छोड़कर अगर कोई और जाप कोई पंथ देते हैं तो कबीर साहब ने लिख रखा कि वो काल के प्रभावित तो होकर के वो मंत्र दिए जा रहे। अब दवाई वही काम करती है जो प्रमाणित है कि फलानी बीमारी के लिए ये दवाई काम करती है, तो वही काम करेगी, बाकी और जड़ी बूटी कूट के खाने में कति असर नहीं होगा। और आखिर में वो ये समझेगा कि भाई ये मैं वैद्य के गलत फंसा हुआ हूं, फिर और कोशिश करता है, और जब सर्वम दवाई ठीक मिल जाए तो वो निश्चिंत हो जाता। अभी हम आपको बताएंगे रामानंद जी कितने महान योगी थे, और कल भी आप कल प्रकरण दिया था आपको रामानंद जी के बारे में। तो रामानंद जी ने जब ज्ञान हुआ यथार्थ के, मैंने तो खाम खा जन्म बर्बाद कर दिया योग साधना कर करके, असली वस्तु इब्बी भी मुझे हासिल नहीं हो पाई, तो वहां कबीर साहब ने अपनी शक्ति से वो सभी लोग दिखाए, परलोक दिखाया, सतलोक दिखाया, वो दिखा करके फिर वापस महाराज को रामानंद जी को जब अपने शरीर में छोड़ दिया, तो तब क्या शब्द उच्चारण किए कबीर साहब के बारे में उस 104 साल के योगी ने। बोलत रामानंद जी, बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार। रामानंद जी कहते हैं कि हे भगवान कबीर, हे कबीर परमात्मा, आप मेरी सुनो क्योंकि आप ही भगवान हो। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में भाई तुम ही बोलन हार। के सारे जीवों में
हर व्यवस्था में आपकी शक्ति संतरित है। तुम साहेब, तुम संत हो, साहेब कहे परमात्मा को, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप सारी ब्रह्मांड के रचयिता हो और सबके पालक हो। और फिर साथ में वही रामानंद जी के बात कैसे कि मैं भक्ता मुक्ता हुआ, मैं आपका भक्त, मैं आपका सेवक, इतने महान ऋषि और वो 5 साल के कबीर साहब का गयू कहे मैं भक्ता मुक्ता हुआ, किया कर्म कुंद नाश और गरीब दास अवगत मिले भाई मेटी मन की बांस। अविगत मिले, जिसकी कोई गत नहीं जानता उसको अवगत कहते हैं, जिसकी कोई महिमा लीला को नहीं जान सकता उसको अवगत कहते हैं। फिर साथ में के बताया कि दोहू ठोड़ है एक तू, दोहू ठोड़ सतलोक में भी और यहां मनुष्य रूप में भी आप ही आए हो। दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो, यानी परमात्मा से शरीर धार का आप यहां आ गए। दोहू ठोड़ है एक तू, हुआ एक से दो, गरीब दास हम कारण उतरे हो मग जो, मग कह रास्ते को और जो वहां से चलकर आप आए हो हमारे लिए। मैं नगदी बाणी कहूं और जिनसी राखी झांप, गरीब दास इस महल में नाब नासी का माप। एक विधि बता रहे हैं कि इस शरीर के अंदर ऐसे सुमरण कीजिए, नाकी पर झांकी लगी और झांकी बीच द्वार, गरीबदास उस महल चढ़ के उतरो परले पार। ये प्रमाण सतगुरु गरीबदास जी महाराज दे रहे। अब हम आपको गोरखनाथ जियों के बारे में जानकारी देंगे कि महाराज की कबीर साहब की और गोरखनाथ जी की कैसे गोष्ठी हुई। पहले मैं आपको वैसे उदाहरण समझाऊंगा मोटा मोटा, फिर इसमें महाराज की कबीर साहब की वाणी के द्वारा आपको समझाएंगे और गरीबदास जी की वाणी भी प्रमाण देती है। एक समय गोरखनाथ जी काशी में आए। अब सिद्ध पुरुष जब चाहे प्रकट हो सकते हैं। कई भाइयों को ये बहम हो जाता है कि गोरखनाथ जी कब हुए, कबीर साहब जी कब हुए। एक समय की बात है, एक संत के पास, हमारे भूरी वाले महाराज हुए हैं छुड़ानी में, मेरे पे गोपीचंद भरतरी आए। आते किस रूप में ना, मेरा किस रूप में आ जा, मंगते के रूप में आ जा कि कोई भी रूप ना का जा, पर वो जान सकते जिसको ज्ञान है कि ये कौन है। वो बैठ के उनकी कुटिया में, वो और किसी नहीं बदल दिया करते, वह आए। जब उन्होंने मना नहीं किया कि आन दो इनको, और बूढ़े बूढ़े लते पाटे से और दाढ़ी सी बड़ी हुई। जब वो जा लिए, जब शिष्यों ने पूछा महाराज ये कौन थे, अब ये गोपीचंद भरतरी थे भाई। हे महाराज हम तो दर्शन कराओ, करो थे दर्शन, और के दर्शन क्यों कर कराया, देखे नहीं तुम, हम तुम तो मिला हो, मिले उड़े पाछे बैठे हैं मंदिर का पछले कान। वो गए बाजे, वहां जाकर देखे हैं कि दो संत रूप में बैठे हैं, लाल कपड़े पहरे आराम से, वो नहीं थे जो उन्होंने उस रूप में देखे थे। वो घूम घाम का आगे नो, बोले महाराज जी वहां तो संत को नहीं, वो गोपीचंद भरतरी था कोई ना, वह थे अक वो देखे नहीं तुमने, वो बैठे थे दो लाल कपड़ा में, अक वो तो जी वह ना थे, अक वह थे वह। इतनी देर में संत करा के खेल कर ले। इस प्रकार और भी कई प्रमाण मिलते हैं। तो गोरखनाथ जी कबीर साहब से आकर मिले, रामानंद जी से मिले, कबीर साहब तो बहुत छोटे थे, और कहने लगे मेरे साथ आप ज्ञान चर्चा कीजिए, आप इन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, आपके पास साधना नहीं है, आप सतमार्ग नहीं दर्शन कर रहे, आप इतना बड़ा पंथ चला बैठे और आपके पास वस्तु नहीं है, मैं बताऊंगा, और ऐसे नहीं बताऊंगा, सारे साधु समाज और भक्तों के सामने तेरी बेइज्जती करूंगा, और जनसा हार जाएगा वो चेला बन जाएगा। अब रामानंद जी के पास सिद्धि शादी तो थी ना बेचारे, दौरा विशेष मतलब भाई इतना जरूर दे रहा था कि वो गोरखनाथ पूर्ण सिद्ध है, और लोग सिद्धि ने ज्यादा पसंद करे हैं, भक्ति ने थोड़ा। अब कोई हम कितना ज्ञान कथ देर, कोई यहां बैठकर इसका छत का सर ला दे उल्टा आ जाता, सब देश उसकी गेल हो लेगा कि उस संत, और संत नो कहे वो तो पशु समान है, पक्षी नहीं उड़ जाते, उनको सिद्धि दे रखी भगवान ने, पर ला रखे हैं उनके करणी अनुसार उड़ जाते हैं, और उन करणी के लिए उसको सिद्धि दे दी, आकाश से उड़ जाई
एक सीधी जल पैर ना लाई, एक सीधी ऐसी जो पाक पानी का पानी पाक पानी नहीं लागे, गार नहीं लागे, रेता नहीं लगे। तो हमने सोचा इसके साथ साधु तो हो ही नहीं सकता, तो बस छोड़ के वो सिद्धियां से काम नहीं चलता, आत्म कल्याण नहीं होता। तो यही कारण हुआ रामानंद जी हाँ तो भर ली, क्योंकि भी इतने बड़े समाज में चैलेंज तो उठना ही पड़े, पर घबरा रहे बहुत ज्यादा। कबीर साहब ने बोले जी की बात सर ऋषि जी, गुरुवर आज चिंता में कैसे है? चिंता केस है कबीर भाई, बात न्यूस है कि गोरखनाथ जी आए हुए हैं और उन्हें डंका बजवाया क्या सारी काशी में कि भाई मेरे साथ गोष्ठी करो और जो आ जाए। और भाई आपने बेरा है गोरखनाथ की ऐसी शक्ति तो सिद्ध जी दिख सह कोनी ने, उन भक्ति मारी श्रेष्ठ सह पर कौन सुने भक्ति ने। कबीर साहब ने बोले आप चिंता मत करो गुरु जी, आप चलो। अब निश्चित समय पर चले गए, वहां पर गोष्ठी तैयार हुई, बहुत संगत बैठ गई, आके एक बहुत बड़ा सद महात्मा आ रहा है और रामानंद जी को चैलेंज कर रखा है। गोरखनाथ नहीं बताया उन्होंने, बाद में बताया संतो ने, सतगुरु महाराज ने। तो गोरखनाथ जी ने अपना त्रिशूल गाड़ लिया साथ में और बैठ गए, ऊपर रामानंद जी बैठ गए, नीचे कबीर साहब बैठ गए, जैसे ऊपर स्टेज बनी हो गुरु के चरणा में, छोटे से 5 साल के 7 साल के कबीर साहब बैठ जाते हैं, 7-8-10 साल के। तो गोरखनाथ जी ने प्रश्न किया कि भाई रामानंद जी आप मेरे से बात करो। तो कबीर साहब खड़े हो गए छोटे से बच्चे, नो बोले स्वामी जी प्रथम मेरे साथ बात करो और पाछे मेरे गुरु जी से बात करिए। अब इस बात ने सुनकर गोरखनाथ जी पहले तो हंसे, नो बोले अरे काल का बालक, हर सवाल जवाब मेरे साथ और वो भी गोरखनाथ सिद्ध से। नो बोला जी कोई बात ना, बात करने में कोई डर नहीं होती। तो कहने लगे भाई न्यो नहीं बात बनती, ऐसे कर तो मेरे साथ आ। वो त्रिशूल गाड़ रखा था, गोरखनाथ जी अपनी सिद्धि शक्ति से उड़के और उस त्रिशूल के ऊपर जम जाते, इतने ऊंची पर डट जाते, ऐसे बैठे आराम से और सारी संगत नो अछड़ी पीटर जय बोला जो कर खागड़ बिड़ानी है वो आ करें। ये संगत ने ज्ञान तो होता है नहीं बेचारी ने, भोले बड़े जीव होते। कबीर साहब कहने लगे नाथ जी ये तो बालका के खेल हो से, ये तो जादूगरी से दिखा दे खिलौने, ओडे गोली मुंह में दिया कर ओड पत्थर काट दे वो सिद्ध हो गया क्या, मुक्ति हो जाएगी उसकी, एक टोकरी ही माथ दे का कबूतर बना दे, ये सिद्धि से काम नहीं चलता। आत्म कल्याण का मार्ग कुछ और हो से, अगर वो बेरा हो तो ज्ञान संगत ने दो फिर हम जाएंगे। तो गोरखनाथ जी ने बोला तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्यों गोरखनाथ की समर्थन में से हजारों आदमी जिसने सिद्धि देखी नोगा वह देखा महाराज जी तयूस है। कबीर साहब ने सोची लाता के भूत बाता तो नहीं मानना करते। उसी समय अपनी गोज में कुकड़ी होया करे ना, कच्चे सूत की छोरी बहु बुढ़िया काट्या करती पहला, एक तखर नहीं रहे वो चरखे, वो कच्चे सूत की कुकड़ी इतनी मोटी हो जाए, वो मनमाने 200-150 फुट का तार होया करे लंबा कच्चा सूत का, उसका एक सिरा पकड़कर वह कुकड़ी ने बगा दी, वह रील हो सफेद धागे की, वह उदड़ती उदड़ती बहुत बड़ी लंबी होगी, अरनियों का नो धागा लंबा खड़ा कर दिया। कबीर साहब वहां से उठे और उसके ऊपरी सिरे पर जा बैठे, नो बोले नाथ जी अब यहां आइए, ठीक है भाई बराबर में हुआ करे गोष्ठी तो यहां बैठ कर कीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, गोरखनाथ भी जा सके थे ऊपर क्योंकि वो तो बहुत बड़े सिद्ध हुए। सिद्धि क्या चीज है, कोई साधना कर लेने से उसकी उपलब्धि जो हो सिद्धि कवा। अब इंजीनियरों ने मैकेनिकों ने इस घड़ी की सिद्धि कर रखी है कि चाबी भर दे और या चालें जाएगी, जितनी चाबी इसमें भर रखी है इतनी चलेगी, यह सिद्धि है, पर चुंबक ला दे यहां पर ये जो की तो जाम हो जाएगी। इसी प्रकार कबीर साहब एक चुंबक थे, गोरखनाथ जी की सिद्धि कति खत्म होगी और नीचे बैठ गए। और समझदार की यह खास बात है, जैसे आपको कल बताया था कि रामानंद जी ने इतना पता चला था कि ये तो पूर्ण संत है और एक जुल्हे का छोरा और 5 साल का, और वो बात बतावा जो कि मैं अंदर आंख से देख रहा हूं और बाकी मेरे 1400 चेले बैठे इनने जानकारी भी नहीं। तो उसी समय रामानंद जी ने कबीर साहब को सुलाहे को नीच जाति का कहे थे जिसको छाती का लगा लिया था, उन्होंने समाज नहीं देखा,
उन्होंने ज्ञान को प्रधानता दी कि परमात्मा किसी रूप में भी आ सके। उसी प्रकार गोरखनाथ जी ने इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया, हाथ जोड़ के ने बोले महाराज जी नीचा दर्शन दो, बात फैसला हो गया। महाराज नीचा आगे फिर बातचीत हुई। उस दिन कबीर साहब ने गोरखनाथ जियों को उपदेश दिया, उनके शिष्य हुए और उसके बाद गोरखनाथ जी की मुक्ति हुई। अब हम गोरखनाथ जी के बारे में आपको प्रकरण बताते हैं प्रमाणित, वैसे नहीं कोई चलते फिरते। ऋषि का प्रमाण कबीर साहब ने भी दिया है, गरीबदास जी ने। अब भी कई नाथ परंपरा के जो संत हैं, जो गोरखपंथी हैं, वो कहें जी कबीर साहब शब्द रूप में नाथ जी तो मिले थे, जरूर मिले। और उसके बाद आपने नाथ पंथी ऐसे मिलेंगे जो इतने गजब शब्द महाराज कबीर साहब अनुसार उन्होंने बना और गा रखे, जैसे भानी नाथ आपने सुना होगा, गुलाब नाथ के सुने होंगे। तो ये गोरखपंथी नाथ परंपरा के होते हुए भी संत मत को अपना रखा सके। तो जब जानकारी होगी तो गोरखनाथ जी ने यह बात मान ली। अब हम थोड़ा सा आपको वर्णन देते हैं कबीर साहब की। कबीर सागर से सहावार वाणी है, योगी गोरखनाथ प्रतापी, प्रतापी के बहुत शक्तिशाली, और तासो तेज पृथ्वी कांपी, उसके तेज त उसके प्रभाव त पृथ्वी भी कांप जाती थी, इतने प्रबल तपस्वी गोरखनाथ जी हुए। काशी नगर में सोपग पर ही रामानंद से चर्चा कर ही, चर्चा में गोरख जय पावे, सब ने बेरा था कि भी गोरखनाथ साहब ने तो जीतना है जीतना है। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तिलक छुड़वावे। अब वैष्णो साधुओं की कंठी होती है गले माला और तिलक लाते हैं तीन, कहते उन सब तिलकों को धोकर कंठी तोड़वा देगा रामानंद जी को हरा करके। सत कबीर शिष्य जो भय हो यह वृतांत सो सुन ले। रामानंद के शिष्य कबीर साहब हुए थे, उन्होंने इस चर्चा को सुन लिया। गोरखनाथ के डर के मारे और बैरागी नहीं भेख समारे, वैरागियों का वैष्णों का सा अलग से भेष होता है, कंठी पहनना, तिलक लगाना और कई फरुआ लेना, कई तरह की उनके साधना होती है। उन्होंने कोई से नहीं उस दिन ये साधन किए क्योंकि पिछाड़ ना ले गए वैष्णो साधु हैं और हमारे साथ हमारी बेइज्जती ना हो जाए। तब कबीर आज्ञा अनुसारा वैष्णो सकल रूप संवारा। कबीर साहब ने बोले निश्चिंत होकर अपना उसी रूप में आओ, चलो क्यों चिंता करते हो। सो सुध गोरखनाथ जो पावे, काशी नगर शीघ्र चल आवे, रामानंद को खबर पठाई और चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौरी सत कबीर बैठे तीस ठोड़ी, रामानंद जी तो ऊपरली पैड़ी पे, कबीर साहब निचली पैड़ी पे, यानी गुरु शिष्य के भाव से चरणों में बैठे। कहे कबीर सुन गोरखनाथा, चर्चा करो प्रथम मेरे साथा। कबीर साहब गोरखनाथ जी बोले कि नाथ जी प्रथम मेरे से बात करो, प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे, बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरख ये वचन उचारी। छोटे से बच्चे के रूप में और बंदी छोड़ कबीर साहब को देख के तो कबीर और राम और गोरखनाथ जी ने बोले रे काल का बालक और चर्चा मेरे साथ। तो के बोले कि तू कब ते बैरागी हुआ, कब ते वैष्णो हो गया। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहे जब ते तेरा ब्रह्मा था ना विष्णु था और ना शंकर जी थे और ना तेरी धरती थी और ना आसमान था ना 21 ब्रह्मंड थे, मैं जब का सू भाई। अब इसका विवरण आपको विधि से देवांगे, ध्यान से सुनिए। कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। अब कबीर साहब उत्तर देते हैं, ये प्रश्न गोरखनाथ जी करते हैं। कबीर साहब उत्तर देते हैं, नाथ जी जब से भय बरागी मेरी आद अंत सुध लागी, दूधों कार आद का मेला, नहीं गुरु ना ही था चेला, जब का तो हम योग उपास्या और तब का फिरो अकेला। जब धूंधों कार था या कुछ भी नहीं था उस समय के हम योगी भी हैं और सारी साधना सिद्धियां हमारे पास थी और यहीं से यह ज्योत निरंजन हमारे से तप करके लेकर आया, इसने 21 ब्रह्मंड का राज हमारे ले रखा है जिसमें तीन देवता प्रधान बना रखे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश।
इस तीन लोग का उनको राज भी रखे। धरती नहीं जद की टोपी दीना और ब्रह्मा नहीं था जब का टीका और शिव शंकर से योगी ना थे जद का झोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी त्रेता को हम दंडा सतयुग मेरी फिरी दुहाई कलयुग फिरो नो खंडा। गुरु के वचन साध की संगत अजर अमर घर पाया कह कबीर सुनो हो गोरख तब हम तत्व लखाया। तत्व कहे सार भेद को यथार्थ चीज हमने जीवों को आके बताई। गोरखनाथ जी उस बालक के मुख से ये वचन सुनकर दंग रह गए तथा मानवश बोले के तेरी के उम्र से बावड़ा इतनी ऊंची बात मत कह। तो कबीर साहब ने ये शब्द कहा जय कोई बुझ है बावरा के केस है उम्र हमारी असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोट निरंजन हो गए पर लोक सिधारी करोड़ों निरंजन हो जा लिए जिस अलख निरंजन का जिस ब्रह्म का ज्योत निरंजन का ध्यान ब्रह्मा कर विष्णु कर और शंकर जी करे उसे उसे तेरे निरंजन अलख निरंजन ज्योत निरंजन ब्रह्म पिराने कितने को हो जा लिए। कोट निरंजन हो गए पर लोक सिधारी हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी। 10 करोड़ ब्रह्मा हुए और 9 करोड़ कन्हैया 10 करोड़ तो ब्रह्मा हुए गए और 9 करोड़ कन्हैया विष्णु जी और 10 करोड़ ब्रह्मा गए 9 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ शंभु गए मेरी एक पलैया। मेरी तो एक पल और ये इतने 7 करोड़ शंकर भगवान भी खत्म हो लिए। अब हम इष्टवादी होकर के इन बातों ने सुन नहीं सकते। हम नो सोचा सा के कबीर साहब तो शंकर जिया की विष्णु भगवान की निंदा करते निंदा इन्होंने कित नहीं कर रखी इनकी तो सच्चाई नहीं खत्म हुई निंदा करने की फुर्सत इन्हें मिली कहा इन्होंने यथार्थ बात सारी कही और वो भी पूरी नहीं कह पाए। अब ये शास्त्र प्रमाण दे है कि तीनों देवता खत्म हो जाएंगे जब महाप्रलय होगी तो इन्हें की गलत कह दी। एक शब्द आपने सुना होगा गगन में आग लगी बड़ी भारी गगन में आग लगी बड़ी भारी ब्रह्मा भी जल गया विष्णु भी जल गया शंकर जड़ा लटाधारी यो शब्द ला दिया तो वहां इष्ट उपासक बड़े नाराज से हो बोला यू के शब्द कह रखा को कबीर साहब ने फिर उनको दिखा कि ये शास्त्र बताओ भाई ये कह रखा इन्हें अरे इन्हें कह रखा या तो फिर इन्हें भी गलत समझो ना इन्हें क्यों गलत समझा ये तो शास्त्र हिंदुआ कैसे। तो यही हमारे अंदर इष्टवादिता जो बचपन में कूट का भर दी हम एसटीएम ने नो समझ रहे हैं प्रधानमंत्री हर कोई नो कही एसटीएम है प्रधानमंत्री नहीं है तो हम काली मानना साहब ले हमारे साहब ने बिसरावे तो जिसने ज्ञान नहीं वो उनको समझ सकता है बाकी को नहीं। 10 करोड़ ब्रह्मा गए 9 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ शंभु गए मेरी एक पलैया मेरी एक पल हुई। कोटन नारद हो गए शंभु से चारी देवता की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा नहीं बालक अरना में भाट बखारी कहे कबीर सुनो हो गोरखिया से उम्र हमारी। अब इस प्रकार आप हिसाब लाइयो अब रामानंद जी को नीचा दिखाने के लिए फिर गोरखनाथ जी ने एक और प्रश्न किया कि पूछा कि किसका लड़का है तुम। अब कबीर साहब साची बताओ मैं जुलाए का छोरा भाई अर्जुन कहेंगे छोरा जुलाए का नीच जाति वाले का को नाम भी रखा रामानंद जी ने और ये नीची नाड़ करके यहां से उठ जाएगा तो तेरी क्या जात है अलख निरंजन से ऊपर आप कैसे होगे। निरंजन ही जग का करता है गोरखनाथ जी कहते हैं निरंजन ही जग का करता है इससे ऊपर कोई नहीं आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे खुद परमात्मा हो। तो यहां कबीर साहब अपना शब्द बताते हैं अवधु अवगत से चल आए मेरा मर्म भेद ना पाए। अवगत जिस गत को कोई नहीं जानता हम सतलोक से आए और इस महिमा को कोई नहीं जानता मेरी को अवगत से चल आए मेरा भेद मर्म ना पाए ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा हम बालक हो दिखलाए। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए और भाई काशी नगर जंगल बिच डेरा तहां जुलाहे पाए। अब मेरी जात देख लो मैं केस हूं सतलोक से आया था अपनी शक्ति से और एक तालाब में आकर मैंने अपना स्वरूप धारण किया छोटे से बच्चे का
और वहां पर मुझे एक जुल्हे ने उठा लिया। काशी नगर दल बिच डेरा तहां जुल्हा पाया पाए, मात पिता मेरे कुछ ना ही, ना मेरे घर दासी, ना मेरा मां, ना मेरा पिता और ना मेरी कोई पत्नी। और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी, मैं एक जुल्हे का पुत्र आके कवाया और दुनिया मेरी हंसी करती है, पर मैं जो हूं वो जो का तो। मात पिता मेरे कुछ ना ही, ना मेरे घर दासी, और जुल्हे के सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी, धड़नी मेरे गगन कुछ ना ही, सूजे अगम अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। जो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है वो नाम मेरा है। अभी आपको हम प्रमाण देंगे वेदों के अंदर कबीर नाम की कितनी महिमा गा रखी है, और वेद इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। वेदों को सब मानते हैं, आके वेद जैसा ज्ञान नहीं। अब उसी वेद के आप अंदर आपको हम कबीर नाम की महिमा का वर्णन सुनाएंगे, दिखाएंगे, और टीवी पर भी इसका जो का तो आपको प्रमाण देंगे, ताकि कोई भ्रम में ना रहे। इन आने वाले समय के जो बच्चे और हमारी संतति होगी, ये यथार्थ ज्ञान को पकड़ के अवश्य नो महसूस करेगी कि यथार्थ ज्ञान यथार्थ ही होता है। कहते हैं सत स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। जो सत नाम, सच्चा नाम, सार नाम, यानी जो असली वस्तु है, वो जो नाम है सतगुरु का, वही मेरा नाम है, वही मेरा स्वरूप है। यानी मैं सत पुरुष पूर्ण ब्रह्म का अवतार और उसी का रूप हूं। तो यहां कहते हैं अदर दीप गगन गुफा में तानिष्ठ वस्तु हमारा, ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। अब कहें जिस ज्योत स्वरूपी निरंजन को तुम परमात्मा मानते हो, वो भी मेरा ध्यान धर, ऐसे मेरे से शक्ति संतरित करता है, मेरा जाप करता है। अधर दीप गगन गुफा में, अधर कहें ऊपर, द्वीप कहें लोक को, उस ऊपरले लोक में, सतलोक में, सतधाम में मेरा असली वस्तु है, मेरा असली स्वरूप शब्द रूप है। अधर दीप गगन गुफा में तहां निज वस्तु हमारा, और ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन यो जपता नाम हमारा। ये थोड़ा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, जिसको वेद ब्रह्म कहते हैं, निराकार कहते हैं, ये आकार में अपने रूप में, अपने लोक में, जो निरंजन लोक के अंदर ये आकार में, और वो भी हमारा नाम जप करके अपनी शक्ति प्राप्त कर रहा है। और निरंजन से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश जाप करते हैं। आपने शंकर भगवान का चित्र देखा होगा, उसमें वो समाधि नजर में अवस्था में आपको देखते हैं, तो वो किसका नाम जप है। कबीर साहब महाराज गरीबदास जी भी कहते हैं, शिव के ऊपर ओर है जाका धर ले ध्यान, इस शिव जी तो ऊपर और एक शक्ति है, उसका ध्यान तुम धरो, तुम भी इनके बराबर की शक्ति प्राप्त कर सकते हो। पर हमने इन बेरा हो क्या है का, हम तो माता मसणिया तना सूर्य देवता ही, और पितर भूत ये ना जीन जनते मारे कनाग तना पूरे हमते ऊपर चालना कैसे। तो ऐसे सत्संग में आओ तो हमें ज्ञान हो, और उस वस्तु को हम प्राप्त करके आगे चालन की तैयारी करें। हाड चाम लहू ना मेरे हूं सतनाम उपासी, ना मेरा हाड, ना चाम, ना मांस, मेरा शरीर तेज पुंज का, कबीर साहब कहते हैं। और सतनाम की उपासना करता हूं, उसी नाम की जो कि अभी आपको बताया, और उस नाम के जपने से हमारे अंदर वो जो की तो शक्ति बनी रहती है। और तारण तरण अभय पद दाता कहे कबीर अविनाशी, तारण तरण यानी यहां से मैं मुक्त करने वाले बंदी छोड़ कबीर साहब, वो हमारे को अपना ज्ञान देते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा, अब कबीर साहब से नाम लेकर के गोरखनाथ का अर्थ हुआ, अब नानक जी के बारे में आपको ज्ञान बताएंगे कि नानक साहब भी कबीर साहब के शिष्य हुए। आप ऐसी ऐसी बात सुनोगे कि एक बार तो ऐसी मन स्वीकार नहीं करता उस बातों को कि ये बात कद हो सके। कबीर साहब तो एक भगत, मुश्किल से आनंद को भगत मानना करते, मुश्किल से नहीं तो कवि के रूप की संज्ञा दे करके उसको समाप्त कर दिया करते, ये तो कवि हुआ ऐसे एक छोटा सा। और जब इनकी लीला और महिमा का आपको ज्ञान होगा, तो और महापुरुषों को जिनको आप भगवान की संज्ञा में लेते हो, उनकी इनकी लीला सुनकर वो फीकी पड़ जाएंगे अपने आप। आप सुनता ध्यान से सुनिए, 7 दिन में आपको वो चीज मिलेंगी जो आज तक नहीं सुनी होंगी। काशी नगर जंगल बिच डेरा तहां जुलाहे पाए, मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हा के सुत आन कहाए, भाई जगत करे मेरी हंसी। बंदी छोड़ कबीर साहब ने बोले कि मैं मेरी जात देखो,
मैं आया सतलोक से अपनी शक्ति से और एक बालक के रूप में लहर तारा तालाब के अंदर एक बच्चे के रूप में प्रकट हुआ और वहां पर एक कांसी के जुल्हे ने मुझे उठा लिया। अब आप देख लो मेरी जात के बनेगी। जुल्हे का पुत्र मुझे कहा गया, मुंह बोला पुत्र था तो जुल्हा मान लो और वैसे मैं परमात्मा सुभाई अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक। धरनी मेरा गगन कुछ ना ही, सूर्य अगम अपारा ना मेरा शरीर है। तेज पुंज का शरीर सतगुरु का था। सूर्य अगम अपारा और सत स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। के सत स्वरूपी जो नाम है वही जो परमात्मा सतपुरुष का असली नाम है वही सतनाम मेरा नाम है। यानी कबीर नाम की महिमा आपको वेदों में भी हम बताएंगे, वेद दिखाऊंगा। साम वेद के अंदर खुद शंकर भगवान पार्वती जी से, पार्वती जी शंकर भगवान से पूछा से कि हे स्वामी आप कई बार कबीर नाम का उच्चारण करते हो कि एक बहुत अच्छे परमात्मा कबीर हैं, वो कबीर कौन है? उसकी महिमा श्याम वेद के अंदर जो की तो प्रश्न उत्तरी दे रखी है, वो आपको समझाएंगे दिखाएंगे। तो यहां कहते हैं कि सत स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। और फिर कबीर गोरखनाथ जी ज्योत निरंजन अलख निरंजन के उपासक हैं। हमारे गांव में एक नाथ परंपरा का आश्रम है, हम छोटे छोटे थे, वो संत आकर थे भिक्षा लेन, तो मोगरा दरकन देवड़ी के ऊपर ने हमारे आकर खड़का दे अलख निरंजन। तो हम बच्चे से थे कि अलख निरंजन कोई भगवान ना होगा, पर है भी परमात्मा। ये 21 ब्रह्मांड तक का परमात्मा अलख निरंजन है, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं। इसको काल कहा संतों ने। काल क्यों कहा? कि ये दुनिया को पैदा करे और मरवावे, पैदा करे और मरवावे, और फिर उस अंश जीव के हंस वासना को तपतशिला पर भून कर खावे। यह बात नई नहीं सुन की सुनने वाले का नहीं जचती कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हमारे ग्रंथों ने शास्त्रों ने हमें ऐसे ढंग से मोल्ड करके धर दिया, हम कोई वस्तु न मानने में तैयार नहीं, चाहे साची भी हो। क्यों? इन शास्त्रों को आप पढ़कर देखोगे कोई से में कोई से की बात सही नहीं जचती। आपको आज शिव पुराण भी पढ़कर सुनावांगे और विष्णु पुराण भी सुनावांगे, कुछ अंश थोड़े थोड़े। उनमें शिव पुराण में तो शिव जी को ही सर्वशक्तिमान मानकर विष्णु को अंश बता रखा, नौकर अनुचर उनके बहुत, और विष्णु पुराण में शंकर जी को उनका बहुत छोटी इकाई का माना। फिर हम बताओगे कबीर साहब ने के बताया और जो का तुम पाया। तो कहते हैं ज्योत स्वरूपी अलख नरन अगर अगर दीप गगन गुफा में तहां निज वस्तु हमारा, और ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन जपता नाम हमारा। हाड चाम लो हूं ना मेरे हूं सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता नो कह कबीर अविनाशी। कि मैं तो इस सृष्टि को पार करने के लिए आया हूं, और जिन्होंने मेरे नाम का जाप किया मेरे अनुसार मेरे अनुयायियों शिष्यों से लेकर के वो मुक्ति को प्राप्त हुए। तो फिर गोरखनाथ जी ने फिर प्रश्न किया कबीर साहब ते, ने बोले हे महाराज आप तो ये तलक भी ला रहे हो वैष्णु साधु बन बैठे और कंठी भी पहन रहे हो। ने बोला गुरुजिया ने जो बेस ने दे दिया उन्होंने ले लिया, पर इन तो कुछ कुछ आसरा ना होता। कंठी पैर ला चे तिलक ला ले, इससे कोई लाभ नहीं होगा। चे लाल लतड़े भी पैर ला, ढाडी भी रखा ले, जटा भी बढ़ा ले। वस्तु नाम से कमाई होती है, और नाम की कमाई नहीं बनी तो भाई कोई फायदा नहीं। पर असलियत में सुन ले मैं केस हूं। क्या बताया? अवधू हम तो परपटन के वासी, परपटन कहे परलोक, परलोक मीन सतपुरुष परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का लोक अपना धाम। जैसे विदेश कहे ना विदेश, विदेश तो सारे ही हैं। मैं विदेश से आया हूं। विदेश कौन से विदेश से आए हो? यहां परपटन समझो विदेश परलोक। तो परपटन पंडित छोड़कर अपने धाम की तरफ इशारा है, पूर्ण ब्रह्म के लोक सत धाम सतलोक की तरफ। अब सत धाम का आपको वेदों में दिखावांगे। सत धाम लिखा है सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म का, परमात्मा का जो जिससे सारी सृष्टि चेतन है उसका परब्रह्म सत धाम लिख रखा वेदों में। और दूसरे जो उपासक हुए हैं संत वो लोग कहे परमात्मा का कोई आकार कोई लोक नहीं है, और वेद को सबसे अच्छा ज्ञान वही मानते हैं, और फिर वेद को भी फेल कर देते हैं कि परमात्मा का कोई लोक नहीं कोई धाम नहीं। तो ये ज्ञान उड़ जाने से उड़ गया, सुरजानिया नहीं मिला। बंदी छोड़ कबीर साहब ने गरीबदास जी ने सुर जा इस ज्ञान को, किसी को बुरा नहीं बताया।
उनकी साधनाओं को इतना जरूर कहा कि ग्वार बो के आम की बाट मत देखो, ग्वार बो के गेहूं की इंतजार मत करो, गेहूं बो रहे ग्वार बो रहे सो आप गलत बो रहे हो। और कहो सुनो यो गेहूं से, तो उसने नो बता दे ये गेहूं नहीं सह, तो उसने जान का फायदा हो सकता है। इन्होंने ही बताया कि आप जिसको परमात्मा पूर्ण परमात्मा मान रहे हो, डीसी नंबर मुख्य प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मानते हो, तो यो नहीं सह, पर आम व्यक्ति से ज्यादा सुविधा उसको है। उनकी तकरीबन मिलती जुलती प्रक्रिया हर चीज उसमें उसमें होती है, अफसर में डीसी की और मुख्यमंत्री की तकरीबन मिलती है, गनमैन भी होता है, पुलिस भी होती है, कार भी हो सर, झंडी भी हो सर, और हम उसी उसके लक्षणों को मान करके उसी को मुख्यमंत्री मान ले तो समझदार समझा देगा यू मुख्यमंत्री ना भाई डीसी साहब से, डीसी जिले तो इनके मालिक से, और मुख्यमंत्री के नीचे 15-16 जिले आव से, ये बड़ा साहब से, और वो ना मानता ना झंडी देखिए इसके भी झंडी उसके भी, तो फर्क से झंडिया में भी अंतर हो। फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कति मिल जाए से गणाएं ख्यास करनिया वैसे कर ले प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री वाय झंडी चक्कर वाली आगे पाछे गनमैन और 20-20 गाड़ी, तो उनको भेद करनिया बतावेगा जिसने जानकारी। इसी प्रकार हम मंत्रों शास्त्रों को ज्ञान जरूर जानकारी हुई, पर सही उन्होंने बताया कबीर साहब ना के कि ये यहां तक के भगवान से परमात्मा से, ये ऊपर के परमात्मा से, इनसे ऊपर कुछ और शक्ति है। अब दू हम तो पर पट्टन के बासी, तीर्थ जाना देवल पूजे ना वृंदावन काशी। हम ना तो तीर्थां पर जांदे और ना देवल पूजते, मंदिर नहीं पूजते, और ना वृंदावन काशी। तिलक तिलक जरूर ला रहा सू क्योंकि गुरु जी ने ला दी, बाकी मैं कितना नहीं जानता, ना इन ओछी उपासना को मैं करता हूं। रहनी रह सो रोगी कहिए और करनी करे सो कामी, और रहनी करनी से हम न्यारे, ना सेवक ना स्वामी। रोजा नेम नमाज ना जाना, ना रोजा करते ना नेम ना नमाज, और ना कोई तस्बी माला, गीता गायत्री ना पढ़ते ना आसन मृगशाला। ना हम जंगम शेख सेवड़े, ना कोई तपासनासी, उनमनी है अनहद में राते मम परम सुन के बासी। सुन सुन वो स्थान है जिसमें बीच के अंदर कोई वस्तु नहीं है, ना कोई लोक है, बहुत सुन अंधेरा है। ये हर एक अंड के बीच में, एक अंड के अंदर हम सामग्री बताओगे, गरीबदास जी ने बता रखी है कि एक अंड के अंदर केक के समान से, उस अंड के बीच में बहुत बड़ा सुन स्थान है। योगियों की समाधि अंड से बाहर नहीं जाती, एकाद की कोशिश करी जैसे मारकंडे जैसे ऋषि ने, वो सुन पार नहीं कर सकी। ऊपर घूम का आगे के ऊपर कुछ नहीं है, जो कुछ है संड के अंदर ही है। कबीर साहब कहते हैं इसे इसे असंख अंड है, और उन संख अंडा तो परे हमारा लोक सतलोक है, जहां ब्रह्मा जा सकता ना विष्णु जा सकता ना शंकर जी की समाधि। सबसे बड़े समाधि लाने वाले इस पृथ्वी सृष्टि के अंदर शंकर भगवान है। तो 97 बार शंकर भगवान ने अंड को पार करने की कोशिश करी, 97 बार वापस आ गया, वहां नहीं पहुंच पाया। और बाकी 3 घंटे बैठ के को मुक्ति चांदा हो तब उनमें मत रहियो। बंदी छोड़ की शरण मां का एक नाम है जिसके सहारे अब जैसे हम कुएं पड़े हैं जेरे में मृतलोक के में, और जैसे कुएं में बाल्टी पड़ जाए उसकी हिम्मत नहीं कि वह आप लकड़ जाए, या कोई और पशु पड़ जाए पक्षी पड़ जाए, ऊपर पर डोरी डाली जाती है, उसको सहारा लेकर उसको पकड़ कर हम ऊपर जा सकते हैं। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज ने अपनी महिमा बताई, अपना व्यवस्था बताई। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं चारों युग के योग को भाई खाए जा रहा था काल, और सतगुरु नाम सुनाइया जब टूटा जंजाल। कबीर साहब ने नाम दिया जब उसका झंझट मिटा गोरखनाथ जी का, कि गोरखनाथ जी चारों युग में योगी रहे आप, अब कुछ दिना के बाद जब यह समाप्त हो जाएगी आपकी सिद्धि, आप दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में आओगे। अब भी गोरखनाथ जी की जो करनी कर रखी है उसके मन में विश्वास इतना जरूर हो गया कि सत नाम सत रास्ता कबीर साहब का है, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं हो पाया, इसकी वजह से उसको एक गेड़ा फेर देगा कबीर साहब। कहते हैं गोरखनाथ जी जब सतयुग शुरू होगा उसमें 1,00,000 वर्ष तक दिल्ली का राज करेंगे और ब्रह्मचारी रहेंगे। 1,00,000 वर्ष वही गोरखनाथ जी आकर दिल्ली का राज करेगा। अब ये बताओ जब गोरखनाथ जी की मुक्ति नहीं हो पाई
तो आम व्यक्ति की नहीं हो सकती। तो हमने पूर्ण विश्वास के साथ कबीर साहब का नाम जपना होगा और यहां की सब वासनाएं खत्म करनी होगी। किस प्रकार, जैसे गरीबदास जी महाराज कहते हैं, इंद्र का राज काग का बिस्ता,